हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रही हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। कल फुल मून था, आई होप आप सब लोगों ने ज़रूर प्रे करा होगा आपके रिलेशनशिप के लिए, आपने ज़रूर प्रे करा होगा you know, अपनी इच्छाओं के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ जन्माष्टमी आ रही है गाइस, और जन्माष्टमी बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। राधा रानी की पूजा करने के लिए, कान्हा जी की पूजा करने के लिए, you know, कृष्ण जी का तो दिन ही है उस दिन, लेकिन राधा रानी की सेवा भी हम कर ही लेते हैं। तो आप सब लोगों को ज़रूर इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ख़ास रिचुअल करना है। जैसे कि मैंने देखा 88 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में मिराकल कर रहा है, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है इस 88 पोर्टल की रेमिडीज़ करके। सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैं यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ, सॉरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर पोस्ट करती हूँ, जो हर रोज़ मेरे पास आती हैं, चाहे वो 12-12 रीडिंग हो, 10-10 रीडिंग हो, 9 PM का वीडियो हो। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था कि यूनिवर्स से कैसे बातें करके अपनी इच्छाएँ पूरी करें। लोग उस इतनी ईजीएस्ट रेमेडी को करके अपनी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना कमाल कर देती हैं ज़िंदगी में। तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर ना फोकस करें, बड़ी बड़ी चीज़ों पर भागने से अच्छा ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स पर अगर हम ध्यान दें, हमारी लाइफ में बहुत मैसिव चेंजेस आ सकते हैं। सो आप लोगों ने अगर चेक नहीं करा है तो चेक कर लीजिएगा। और आजकल मैं ना MWF, मैंने ये सीरीज़ बना ली है MWF, एवरी MWF रात को 9 बजे नई वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आती हूँ रेमेडीज़ के। क्योंकि पता है, पहले मैं डेली रेमेडीज़ लेकर आ रही थी, लोग इतना कंफ्यूज हो रहे थे, मैम रोज़ नई नई रेमेडी, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो इसलिए मैं आजकल हफ्ते में सिर्फ 3 रेमेडीज़ पोस्ट करती हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि सब लोगों को इससे हेल्प मिले, चाहे वो कैरियर वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, लव वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, और साथ ही साथ सेल्फ तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब लोगों के लिए एक बात है, रिमाइंडर है, दैट इज़ ज़रूर यूट्यूब पर वीडियोस चेक कर लिया करिए जो मैं आप लोग के लिए पोस्ट करती हूँ। क्योंकि आप लोग शायद से देख नहीं पाते हैं, या देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ वो कर लिया करिए। चलिए चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 3 of Swords, 2 of Pentacles, 10 of Wands, 7 of Pentacles, and we have Knight of Wands. I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक हमारे पास है 8 of Coins, that is 8 of Pentacles. Okay. I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली आपको शो हो रहे होंगे। अब मैं एक एक करके आपको सारे कार्ड्स का मीनिंग समझाने वाली हूँ जो मेरे सामने पिक्चर आ रही है। फुल मून पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज आया है। आई कैन सी दैट ये पर्सन जिसे आप डील कर रही हैं, ये पर्सन ना बहुत समय से एक कन्फ्यूजन में रही हैं कि आपके साथ रहना है नहीं रहना, आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। या ऐसा भी चल रहा है कुछ सिचुएशंस में कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है, या थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आई है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग, मेरी इंट्यूशन ऐसी बोल रही है कि जिस सिचुएशन में आप हो, जिस रिलेशनशिप के अंदर आप अभी चल रहे हो, इस रिलेशनशिप में पिछले ही कुछ समय से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। नेगेटिविटी एज इन, या तो बहुत इमोशनल हो गए हो, मतलब आप अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुके हो कि यार
कुछ बेहतर ही नहीं हो पा रहा है, कुछ अच्छा चेंज ही नहीं दिख रहा है, कुछ अच्छे बदलाव ही नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। जैसी मैं चीज़ें चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है, मतलब एक अकेलापन सा हो गया है, एक लोनलीनेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रहा है कि खुशी नहीं है बिल्कुल भी, एक हैप्पीनेस नहीं है, चीज़ें मिसिंग वाले जोन में दिख रही है कि अच्छा ही नहीं लग रहा है, हैप्पी फील नहीं हो रहा है, पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। हमने सोचा तो बहुत कुछ कि ऐसा होगा ये होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आई है या इतने सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप में हुए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हो। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने वो पैटर्न, वो कमिटमेंट फेज़ रिलेशनशिप के अंदर आने नहीं दिया जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे या आप दोनों ही रिलेशनशिप के अंदर बहुत नेगेटिव हो गए थे। मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत सारे लोग के लिए, रिलेशनशिप में एक सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या छोटी सी ही फाइटिंग ने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन रिलेशनशिप के अंदर बना दिया है कि आज आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और इसका मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए कि जिसकी वजह से आपका पूरा रिलेशनशिप हैम्पर हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्रति श्योर नहीं हो पाए, आपके पार्टनर रिलेशनशिप पर एक बैलेंस बना ही नहीं पाए, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को वो इंपॉर्टेंस, वो प्रायोरिटी दे ही नहीं पाए जो देनी चाहिए, जिसकी वजह से भी आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप के अंदर फेस कर रहे थे। और इनको ऐसा लगता है, इनके अंदर ऐसी फीलिंग है कि यार मैं कैसे चीज़ों को बेटर करूँ, मैं बेटर तो करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यू नो, या कर नहीं पा रही हूँ। आई कैन सी कि बिल्कुल भी बैलेंस ही नहीं बन पाया है रिलेशनशिप के अंदर। एक कमिटमेंट, एक श्योरिटी जो होनी चाहिए थी वो आप अपने पर्सन से मांगते तो गए, लेकिन जहां उनको वही कमिटमेंट आपको सामने से देनी चाहिए थी, इन्होंने वो चीज़ नहीं दी। मुझे ऐसा भी फील होता है दैट इज़ या तो ये पर्सन को अपने कैरियर की बहुत टेंशन है, अपने बिजनेस की बहुत टेंशन है, इनके घर में या तो बहुत फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों के प्रति परेशान हो गए हैं जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं बनी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या उन्होंने आपसे कभी प्यार ही नहीं करा या वो आपके साथ बढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर या तो फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या इनके ऊपर फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाए और ये पर्सन आपको बिल्कुल भी रिलेशनशिप के प्रति पॉजिटिविटी या पॉजिटिव कमिटमेंट नहीं दे पाए। आपके प्रति एनर्जी इनकी पॉजिटिव है, ये आपके प्रति बहुत पैशनेट हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक अच्छी बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके ख्वाब, इनके ड्रीम्स इतने बड़े हैं, ये खुद को इतना आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये खुद को इतना पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं कि यू नो ये चीज़ों पर बैलेंस नहीं कर पाए। और जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, रिलेशनशिप को लेकर ड्रेन है, रिलेशनशिप को लेकर उदासी है मन में, जिसकी वजह से यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये जो फुल मून गया है, इसने पहला तो इनिशिएटिव ये दिखाया है, एहसास बहुत हो रहा है आपके पर्सन को, समझ में चीज़ें बहुत आ रही हैं, चीज़ें एहसास बहुत कर रहे हैं, फील बहुत कर रहे हैं कि ये सब क्यों हो गया है, ये सब क्यों चल रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि समय के साथ साथ इनको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कैसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब आई कैन जेन्युइनली सी कि मुझे एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी दिख रही है जो ये बनाना चाहते हैं और जिससे ये यू नो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी समझ में आता है कार्ड्स को देखते हुए, दैट इज़ आप जितना भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या जितना भी आप इनके साथ आगे एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है माय डियर दैट ये पर्सन टाइम ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये पर्सन पहले अपने कैरियर में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, एक अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसी के बाद ये रिलेशनशिप को लेकर कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग्स रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है या रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ सकते हो, रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी तो बन सकती है। लेकिन रही बात जहाँ पर
फ्यूचर की, तो ये पर्सन टाइम बहुत लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको लेकर कोई डिसीजन पे आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए ज़रा चेक कर लेते हैं कि इस वक्त, ये तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको कौन सा एक मैसेज देना चाहते हैं, ये चेक करते हैं। डिवाइन गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। द फूल, द वर्ल्ड एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आप लोगों के लिए है। बॉटम डेक का कार्ड भी मैं ओपन करूँगी, टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि कहीं ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे, या ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, या ये मेरे साथ सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर देंगे, ये सब मेरे साथ एंड तो नहीं कर देंगे। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ड्रेन, काफ़ी डरे हुए, काफ़ी घबराए हुए, एक फियर दिख रहा है आपके मन में, लेकिन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं एक न्यू बिगनिंग पर ध्यान दो, ठीक है, एक नई शुरुआत पर ध्यान दो, चीज़ें सेटल हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी बन सकती हैं, थोड़ी रिस्की होगी, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी इनके साथ एक अच्छा फ्यूचर डिज़ायर कर रहे हैं, एक अच्छे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो, या चीज़ों में धीरे धीरे आपको चेंज दिखे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके आपके रिलेशनशिप को लेकर, एक पॉजिटिव फ्यूचर को लेकर, मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव ग्रोथ आपको दे सकती है। तो अभी जो चीज़ें सामने हो रही हैं उसको देखो, उसको समझो, ऐसा नहीं कि आँख में बस पट्टी बनाकर बैठे हुए हो और बस भगवान से प्रे करते जा रहे हो। भगवान से प्रे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साइन सिग्नल्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है, वरना हम तो सिर्फ प्रे करते रह जाते हैं और भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें साइन दिया तुम तो समझे नहीं, तुमने तो रियलाइज़ ही नहीं करा, तुमने तो एहसास ही नहीं करा। तो यू हैव टू बी यू नो वेरी यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ और इन योर रिलेशनशिप। आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो डिवाइन का क्लियर मैसेज है कि नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग होगी, सब अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। सामने वाला बंदा या बंदी खुद आएंगे, बातचीत करेंगे, अभी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या अपने कैरियर को लेकर थोड़े परेशान हैं, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखकर समझ में आता है कि ये पर्सन एक पॉजिटिव अप्रोच ले सकते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा चेंज रिलेशनशिप के अंदर आप देख सकते हो। तो जो चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो आप चेंज रिलेशनशिप में चाहते हो, आने वाले फ्यूचर में चाहते हो, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। सो ये आप लोग के लिए मैसेज ऑफ द डे फॉर योर रिलेशनशिप। अब बढ़ते हैं न्यू रीडिंग्स की तरफ। बहुत जल्दी नए वीडियोस लेकर आऊँगी, तो रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करूं या कोई भी रेमेडी का वीडियो पोस्ट करूं, आपके पास वो सबसे पहले आए। सो नेगेटिव भी चल रहा है लाइफ में, लेकिन हमें उसे पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव तभी बना पाएंगे जब हम पॉजिटिव रहेंगे। सो अपनी एनर्जी पर ध्यान रखिएगा और हैप्पी रहिएगा। राधे राधे।